अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास आज हम चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11, 13, 15 और 16 आपको नहीं करना है, इस पे आप क्रॉस लगाइए। 11, 13, 15 और 16। तो हमारी बुक का सिर्फ एक चैप्टर और बाकी है, वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 14, आई एम स्नेक। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 88, चैप्टर नंबर 14, दैट इज हाई आई एम स्नेक। आज यहाँ पर आपको स्नेक अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है और अपने बारे में कुछ बताएगा। ओके, सो हाई आई एम स्नेक। हाई, मैं स्नेक हूँ। आई एम डीफ, मैं बहरा हूँ। आई डू नॉट हैव ईयर्स, सो आई लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। मेरे पास कान नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ साइलेंस मतलब शांति में रहता हूँ। बट गॉड इज़ ग्रेट, पर जो भगवान है वो बहुत महान है। ही हैज़ गिवन मी अ वेरी सेंसिटिव स्किन टू फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। पर भगवान ने मुझे क्या दिए हैं? एक सेंसिटिव स्किन दी है, जिसके कारण क्या होता है, मैं जो ज़मीन है, ग्राउंड जो है, उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर लेता हूँ। आई यूज़ माई टंग, मैं अपनी टंग ज़िबान का यूज़ करता हूँ, बोथ एज अ हैंड एज अ नोज, हाथों की तरह भी और नाक की तरह भी अपनी मैं टंग का यूज़ करता हूँ। आई यूज़ इट टू टच एंड फील थिंग्स अराउंड मी, मैं उसका यूज़ करता हूँ चीज़ों को टच, छूने में और फील, उसे महसूस करने में मैं अपनी टंग का यूज़ करता हूँ। द फॉर्क्ड टिप्स ऑफ माई टंग हेल्प मी पिक अप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, अर्थ एंड वाटर। और जो बतना मेरी टंग है, उसका जो ये जो टीप है, आगे वाला जो हिस्सा है, वो मुझे हेल्प करता है छोटे छोटे जानवरों को पकड़ने में, ठीक है, और हवा को लेने में, और अर्थ और वाटर में भी मुझे मेरी जो टंग है वो हेल्प करती है। देयर आर होल्स इन द रूफ्स ऑफ माई माउथ, मेरे मुँह के अंदर की साइड में होल्स है। दीज आर लाइंड विथ keen sensory cells that give me exact scent and feel of the things around me। और वो मुझे क्या करते हैं, जो मेरे होल्स है वो एक लाइन में है, और वो सेंस, वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को सेंस करने का काम करते हैं, ठीक है, और मेरे आसपास की जितनी चीज़ों को फील करने में भी मुझे हेल्प करते हैं। आई हैव टू पावरफुल आईज, मेरे पास दो पावरफुल आईज है। दे हेल्प मी फोकस ऑन द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो मुझे हेल्प करती है फोकस बनाए रखने में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में। हैव यू एवर नोटिस अ कैट्स आईज विथ वर्टिकल प्यूपिल, क्या आपने कभी कैट की आईज नोटिस करी है? वो कैसी होती है? दो वर्टिकल प्यूपिल्स जैसी होती है, ठीक है, उनकी दोनों आँखें कैसी होती है? वर्टिकल प्यूपिल जैसी होती है। At night my eyes became exactly like theirs, और मेरी रातों को आँखें बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कैट की भी ऐसी आईज ही होती है, और स्नेक्स की भी रात में बिल्कुल वैसी ही आईज रहती, रातों को चमकती है। I have no eyelids like you, मेरी जो eyelids आँखों की जो पलकें हैं वो तुम्हारी तरह नहीं है, so I never close my eyes, और मेरी आँखों के पलके नहीं है तो मैं आँखों के पलकों को झपका नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कभी भी अपनी आईज को क्लोज नहीं करता हूँ, बंद नहीं करता हूँ। सरप्राइज्ड आरंट यू, क्या ये चीज़ें तुम्हें सरप्राइज कर रही है जो मैंने तुम्हें अपने बारे में बताई है? वन थिंग मेक्स मी वेरी सैड, थ्रो यू ऑल हैव ऑलवेज मिसअंडरस्टूड मी। एक चीज़ है मेरे बारे में बहुत जो मुझे बहुत ज़्यादा सैड करती है और जो मुझे मिसअंडरस्टूड करती है। मैनी ऑफ अस आर हार्मलेस, आई एम एक्चुअली वेरी शाय, बट यस आई एम पोजेसिव अबाउट माई टेरिटरी एंड ट्राई टू डिफेंड इट फ्रॉम इंट्रूडर्स, ठीक है। तो बोलता है कि आप में से कई लोग मुझे हार्म भी पहुंचाते हैं, हम में से जितने भी सांप हैं वो हार्मलेस नहीं होते हैं, जो जहरीले या फिर आपको चोट पहुंचाने वाले नहीं रहेंगे, पर एक्चुअली में जो हम लोग होते हैं, स्नेक्स लोग होते हैं, वो बहुत शाय होते हैं, शर्मीले किस्म के होते हैं, और
हम अपनी चीज़ों, अपनी टेरिटरी मतलब अपने जगह को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, मतलब हमें बहुत गुस्सा आ जाता है अगर कोई हमारी जगह पर आता है तो, और इसलिए हम खुद की जगह को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए डिफेंस में क्या करते हैं, सामने वाले को से लड़ाई करते हैं, जो भी पर्सन हमें हार्म पहुँचाना चाहता है। बट द स्लिमी कवरिंग दैट यू सी ओवर मी इट इज़ नॉट रियली स्लिमी, इट इज़ कोल्ड ड्राई एंड क्लीन। जैसे कि आप मेरी स्किन को देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है कि मेरी जो स्किन है वो कैसी है, एकदम स्लिमी है, मतलब गीली गीली सी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पर एक्चुअली में वो ना ज़्यादा, वो ना कोल्ड होती है, ठंडी होती है, ड्राई सूखी भी होती है, और क्लीन होती है, गंदी नहीं होती है। आई एम कवर्ड माई स्केल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और मेरी पूरी बॉडी पर जो स्केल्स रहती है वो मुझे ऊपर से नीचे तक कवर करके रखती है। लाइक यू चेंज योर क्लॉथ्स आई टू शेड इट माई ओल्ड स्किन एंड ग्रो अ न्यू वन आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। मैं क्या करता हूँ, अपनी स्किन को, मतलब जो मेरी स्केल्प है उसको चेंज करने का काम करता हूँ हर ही कुछ सालों में। हर कुछ सालों में मैं अपनी ओल्ड स्किन की जगह पर न्यू स्किन आ जाती है मेरी, जैसे कि आप लोग क्लोथ चेंज करते हैं, वैसे ही एक स्नेक बोल रहा है कि मैं अपनी स्केल्स को चेंज करता हूँ। आई एम नॉट अ हर्बीवोर, मैं एक शाकाहारी जानवर नहीं हूँ। आई एम अ कार्निवोर, मैं एक कार्निवोरस जानवर हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, फ्लैश खाता है। आई कैन सॉलो लार्ज एग्स विदाउट ब्रेकिंग दैम, मैं बड़े बड़े एग्स को खा जाता हूँ, निगल जाता हूँ बिना उन्हें चबाए। इट इज़ बिकॉज ऑल द मूवेबल बोन्स इन माई हेड आर लूजली कनेक्टेड। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि जो मेरी बोन्स है वो कैसी है, मूवेबल है। मैं सभी बोन्स को मूव कर लेता हूँ और वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, ढीली तरीके से, मतलब लूज है वो थोड़ी, ताकि मैं किसी भी चीज़ को इजीली खा पाता हूँ और उसे निगल पाता हूँ। दिस हेल्प्स मी टू सॉलो फूड फार बिगर देन माई माउथ, और इसी कारण से मैं अपने मुंह से बड़ी चीज़ों को इजीली निगल पाता हूँ, सॉलो कर पाता हूँ। सम ऑफ माई स्पेशियस हु लिव्ड इन एशिया लाइक पैंथर्स कैन इवन सॉलो अ मैन, और मेरे ही स्पेशियस के, मेरी ही प्रजाति के कुछ ऐसे स्नेक्स भी हैं, जैसे पैंथर हो गया, वो ऐसे स्नेक्स हैं जो मेन पूरे के पूरे इंसान को भी निगल सकते हैं। सम ऑफ आर स्पेशियस इन साउथ ईस्ट एशियन आर रियली डेंजरस, और जो एशिया के कहाँ पर रहते हैं, एशियन नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, एशिया के साउथ की साइड में जो स्नेक्स रहते हैं मेरी प्रजाति के, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दे आर नोन एज कोबराज, जिन्हें कोबराज के नाम से जाना जाता है। दे आर द मोस्ट पॉइजनियस स्नेक्स, और वो बहुत ज़्यादा जहरीले स्नेक्स होते हैं। एंड किंग कोबरा आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पॉइजनियस स्नेक्स, और जो किंग कोबराज है वो उस कैटेगरी के स्नेक वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट और जहरीले स्नेक्स हैं। दे कैन ग्रो अप टू 18 फीट इन लेंथ, और वो कितने लंबे होते हैं, 18 फीट उनकी लंबाई होती है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखी हाई आई एम स्नेक, ये पूरी स्टोरी देखी जिसमें हमने स्नेक के बारे में पढ़ा। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको क्लियर है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।